टमोरो बिलोंग्स टू दीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टूडे वेलकम टू एनसी आर टी वे यूपीसी दोस्तों एनसीआर -E -E में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जियोग्राफी क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी जो टू थाउजेंड ट्वेंटी में आपके पूछे जा सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अब शॉर्ट शॉर्ट अब यहां से क्वेश्चन आपके फाइनल के एग्जाम के पेपर में आपको मिलेंगे देखिए सबसे पहले हम चैप्टर वाइज चैप्टर वन टू फाइव चैप्टर वन टू फाइव टॉप ट्वेंटी क्वेश्चंस देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे शॉर्ट शॉर्ट आपको मिलेंगे क्वेश्चंस आपकी ये जो फर्स्ट बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी का उसको हाफ हम इसको पार्ट टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पार्ट फर्स्ट वीडियो है पार्ट सेकेंड आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आपने वीडियोस जो चैप्टर्स डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर पढ़िएगा डिटेल्स में सारे चैप्टर्स आज हम क्वेश्चंस देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार तो देखिए पहला क्वेश्चन चैप्टर वन से जो पूछा जा सकता है बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वट इज ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और इसी के साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो इंटरलिंट है एक्चुअली गिव डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू एलनसी सैंपल तो कई सारे स्कॉलर्स ने चैप्टर वन में देखिए चैप्टर वन अगर मैं निकालू आपका तो ये रहा आपका चैप्टर वन जब आप चैप्टर वन को देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि कई सारे स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी है ह्यूमन ज्योग्राफी को जो चैप्टर वन है इसमें एलनसी सैंपल की डेफिनेशन जो आप देख सकते हैं यहां पर ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछी जा सकती है आपके ये सारे स्कॉलर्स की डेफिनेशन किसी भी की भी पूछी जा सकती है लेकिन मेरा अपना मानना है कि एल सैंपल की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये और ये पूछी जा सकती है आपके फाइनल के एग्जाम में देखिए क्या क्या बोला था एल एनसी सैंपल ने ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ सो अनरेस्टिंग मैन जो मैन जो है वो क्योंकि मूवमेंट में रहता है कंटिन्यूस और अनस्टेबल अर्थ जो है उसके बीच की रिलेशनशिप को ही क्या कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं अलग से ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्वेश्चन जो था पहला व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी सो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप ओके इंटर रिलेशनशिप बिट्वीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर सो आपस की जो इंटरेक्शन है सोशियो इकोनॉमिक जो इंट्रेक्शन हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से जो इंट्रेक्शन है ह्यूमन्स की उसी को क्या कहते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं तो आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों रिलेटेड थे वॉट इज ह्यूमन जोग्राफी सेकेंड गिव डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू एलेंसी सिंपल ये आपसे पूछा जा सकता है थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इसमें so, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमने चैप्टर फर्स्ट जो किया था उसमें देखा था कि कैसे uh, जब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को हम ढाल लें हम क्या हो गए हैं नेचुरलाइजेशन हो गया ह्यूमंस का जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं है ना दे आर मैनी पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट है ना दे अडेप्ट टू द फॉरेस्ट कंडीशंस दे अडेप्टैमसल्स टू द इन्वायरमेंट कंडीशंस एटमोस्फेरिक कंडीशंस वो उसके अकॉर्डिंग रहते हैं हंटिंग करते हैं या सिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं तो उन्होंने क्या कर लिया ये क्या हो गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस ने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। लेकिन ऐसी भी कंडीशंस होती है जब नेचर को हम ह्यूमंस के अकॉर्डिंग डाल लें जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी सीवियर कंडीशंस होती हैं कई सारे जैसे जो आपके साइबेरियन रीजन है वहाँ पे ठंड होती है माइनस फिफ्टी फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है लेकिन वहाँ पे कई सारे ऑफिस जो वर्क करते हैं उस टेम्परेचर में भी कैसे अंदर जो है हीटर्स लगे हुए हैं या या कहीं अगर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेकिन वहाँ पर भी ऑफिस है लेकिन अंदर ऑफिस के आप जाओगे तो बिल्कुल उन्होंने ए लगाए हुए हैं उससे एटमोसफेयर्स जो है वो अंदर का पूरा चेंज है और वर्क कर रहे हैं लोग तो हमने क्या कर लिया है हमने एक्चुअली नेचर का भी ह्यूमनाइजेशन कर दिया तो ये दोनों आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन नेचुराइजेशन नेचुरलाइजेशन ऑफ हूमन्स एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर ये चैप्टर हमने पढ़ा था डिटेल में आप टिकर में ऊपर जाकर लिंक देख सकते हैं जरूर देखिएगा अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है डिटेल में तो नाउ अगला जो है हु कॉइन द टर्म न्यो डिटर्मिनिज्म न्यू डिटर्मिनिज्म टर्म जो है वो किसने कॉइन की ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन है ये कि जो टर्म है न्यू डिटर्मिनिज्म कॉइन की तो आप यहां पे देख सकते हैं ग्रिफिल टेलर जो है ग्रिफिल टेलर इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कौन सी टर्म न्यू डिटर्मिनिज्म दूसरा नाम क्या है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ठीक है न्यू सो हु कॉइन कॉइन द टर्म टर्म ग्रिफिथ टेलर न्यू नाउ डिटर्मिनिज्मिज्मीट ना चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नाउ चैप्टर सेकंड व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कैसे निकालोगे आप पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं डेंसिटी पॉपुलेशन होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन चैप्टर नंबर सेकंड से सेकंड क्वेश्चन तो देखिए आइए चैप्टर नंबर सेकंड देखते हैं अब तो चैप्टर नंबर सेकंड जब आप देखोगे तो आपको मिलेगी आपको देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को वो कौन से हैं तो डेंसिटी पॉपुलेशन में ये देखिए डेंसिटी पॉपुलेशन कैसे निकाली जाती है फॉमुला भी पूछा जा सकता है आपसे तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ठीक है इट इज यूजअली लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू इट इज यूजअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ओके सो पर स्क्वायर किलोमीटर पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाली जाती है जैसे अगर आपसे बात की जाए वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रह रहे हैं किसी 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं 1500 थाउजेंड फाइव तो ये इसकी डेंसिटी होगी नाउ कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका वो ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ा है नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लिंक देख सकते हैं प्ले में जाकर जरूर वीडियो देखिएगा तो फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर सकते हैं जोग्राफिकल फैक्टर कौन से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो होगी लैंडफॉम्स हो गए क्लाइमेट हो गए ठीक है इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से मिनरल्स अर्बनाइजेशन इंडस्ट्राइजेशन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी इंप्लायमेंट जनरेशन होगी तो लोग जाके रहेंगे ऑब्विस अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन को भी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी कई सारे होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है एक स्पेसिफिक एरिया में रहना पसंद करते हैं तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन पुश फैक्टर और पुल फैक्टर याद कीजिए चैप्टर में हमने जब डिटेल में पढ़ा था तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्या है पुश फैक्टर कि अगर मानो कहीं कोई एक गांव में कुछ लोग रहते हैं वहां पे कंडीशंस खराब हैं वहां पे जॉब नहीं मिल रहा है उनको प्रॉपर वहां पे हेल्थ कंडीशन खराब है सैनिटेशन कंडीशन खराब है तो वो क्या होगा एक पुश फैक्टर होगा अगर लोगों को गांव से मजबूरन धकेला जा रहा है मतलब कंडीशंस की वजह से ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती गांव ने बाहर निकाल रहा है बट कंडीशंस उन्हें बाहर निकाल रही तो वो सारे फैक्टर्स कौन से हो पुश पुष फैक्टर गांव से लोग जो है शहरों की तरफ मूव कर रहे माइग्रेट हो रहे हैं और पुल फैक्टर कौन सा होगा कि अब लोगों को पता है क्या शहरों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब मिलेगी हेल्थ सेक्टर अच्छा है वहां पे हॉस्पिटल्स हैं स्कूल्स हैं तो वो पुल फैक्टर गांव से शहरों की तरफ लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो पुल एक पुल फैक्टर का वर्क रोल पे रोल प्ले कर रहे हैं वहां पे तो पुष फैक्टर पुल फैक्टर बहुत अच्छा एक टॉपिक है ये आपके ये आ सकता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पुश फैक्टर फैक्टर एंड पुल सीबीआर एंड सीडीआर इनको डिफाइन करने का पूछा जा सकता है क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट ये आपसे पूछा जा सकता है जो आपके सेकंड नंबर चैप्टर में आपको दिया हुआ है सो सीबीआर एंड सीडीआर तो यहां पे देखिए जैसे आपको ये बता रखा है सीबीआर के बारे में तो सीबीआर ठीक है सीबीआर फुल फॉर्म क्या है क्रूड बर्थ रेट और

और मिड ईयर पॉपुलेशन पी इन टू थाउजेंड ये करोगे आप सीडिया निकल जाएगा कितने लोग जो है मरे हैं खत्म हुए हैं एक साल के दौरान माइग्रेशन सिंपल है लोगों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होना इसी को माइग्रेशन कहते हैं नाउ देखिए पुश फैक्टर पुल फैक्टर जो भी हमने डिस्कस किया था पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकता है आपके देखिए अब नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर नंबर थ्री और इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्स रेशियो हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन इंडिया सेक्स रेशियो क्या है और इंडिया में कैसे कैलकुलेट किया जाता है दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लिटरेसी रेट तो देखिए डिस्कस करते हैं अब ये थर्ड नंबर हम तो व्हाट इज सेक्स रेशियो तो इसमें देखिए क्या बता रहा है आपको जेंडर रेशियो सेक्स रेशियो जिसको हम कह रहे हैं तो नंबर ऑफ फीमेल्स Uh, जो है कितने, कितनी अवेलेबल है मैन पर उसको ही उसी को आप क्या कहते हो सेक्स रेशियो कहते हो जैसे द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड वैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो उसको आप सेक्स रेशियो कह दोगे अब कैसे कैलकुलेट की जाती है तो मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन टू थाउजेंड ठीक है कुछ देशों में ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं पर थाउजेंड फीमेल्स पर फीमेल्स के अकॉर्डिंग जो है कितने मेल्स अवेलेबल है ऐसे रेशियो निकाला जाता है लेकिन इंडिया के अंदर नंबर ऑफ फीमेल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू मैन दैट्स हाउ द सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड इन इंडिया उसमें जैसे हमारे यहाँ पे इस तरीके से फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड ये पर थाउजेंड पे जो है कितनी फीमेल्स हैं मेल पर पर थाउजेंड मेल पे कितनी फीमेल्स हैं उसी को आप क्या कहते हो सेक्स रेशियो कहते हो अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे यहां पे सेक्स रेशियो कम क्यों है फीमेल फेटिसाइड फीमेल इन्फेंटिसाइड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट अगेंस अगेंस वीमेन है ना मैनी सोशल इविल कस्टम्स प्रेवलेंट सो वो बहुत सारे रीजन जिनकी वजह से सेक्स रेशियो हमारे यहां पे कम देखा गया है नाव देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके वो कौन सा है वट डू यू मीन बाई एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर सिंपल सा मतलब है कितने कितने एज के मतलब 15 टू 20 एज ग्रुप के कितने लोग हैं सेवन टू 15 एज ग्रुप के कितने लोग हैं फोर्टी अबाउ कितने एज ग्रुप है तो उसी को आप एज स्ट्रक्चर कह रहे हो पॉपुलेशन के अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके विच टाइप ऑफ पिरामिड इज दिस पॉपुलेशन वाइज ये कौन सा पिरामिड है विच टाइप ऑफ पिरामिड इज दिस पॉपुलेशन वाइज तो ये कौन सा पिरामिड है ये आपको बता बताना तो इसमें आप देखिए मेल और फीमेल की पॉपुलेशन कैसे है कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट टाइप ऑफ पिरामिड है जैसे आप इसको जब चैप्टर में देखेंगे चैप्टर हमने डिटेल में रीड किया था वापिस आपको बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं तो देखिए पॉपुलेशन कंपोजिशन में आप जाएंगे तो ये देखिए ये वाला जो है आपके कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन का चार्ट ये आपके पिरामिड जो है कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वाला ये रहा तो कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन में आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कैसे है कॉन्स्टेंट है फीमेल और मेल की बराबर मतलब तो इस तरीके का पिरामिड बनता है ठीक है कांस्टेंट पॉपुलेशन में एक्सपेंडिंग uh, पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है पॉपुलेशन uh, तो यह पॉपुलेशन बनता है डिक्लाइनिंग तो इस तरीके पिरामिड बनता है तो वो कांस्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड था ना नेक्स्ट देखिए आपका जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर फोर से डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस तो आइए देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस देखिए ग्रोथ जो हो सकती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट बोथ रेफर टू चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम सो चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ग्रोथ और डेवलपमेंट इसको आप कह सकते हो ग्रोथ क्वान्टिटिव होती है डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है तो डिफरेंस अगर आए तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो ग्रोथ क्वान्टिटिव होगी डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होगी है ना मतलब डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा ग्रोथ हमेशा न्यूट्रल हो सकती है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है ये ध्यान रखिएगा मतलब अगर एक सिटी की पॉपुलेशन एक लाख से डेढ़ लाख होगी तो आप कह सकते हो इसकी ग्रोथ हुई है लेकिन क्या डेवलपमेंट भी हुआ है सिटी के अंदर मैं पॉपुलेशन डेवलपमेंट वो कुछ हुआ है मतलब अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिली है स्कूल की फैसिलिटीज़ मिली है है ना एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ तो आप कहोगे वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ अगर ये नहीं हुआ लेकिन ग्रोथ संख्या बढ़ रही है लोगों की तो आप ग्रोथ है सिंपल लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा वो क्वालिटेटिव होगी ये ध्यान रखिएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ये पूछा सकता है आपसे हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट का किसने इंट्रोड्यूस किया वेरी शॉर्ट में आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डॉक्टर महबूब उल हक जो थे उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट वेन यू एनडीपी स्टार्टेड पब्लिशिंग एच डी आर ये क्वेश्चन यहां जैसे तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं एच डी आर इज पब्लिश बाई विच ऑर्गेनाइजेशन यू एनडीपी ठीक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जारी करता है एच डी आर ना एच डी आर फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब से स्टार्ट किया पब्लिशिंग 1990 ठीक है सिंस 1990 नाइनटी यू एन डी बिन पब्लिशिंग एच डी आर रिपोर्ट ईयरली ठीक है विच आर द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर पिलर्स कौन से हैं तो फोर पिलर्स देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए फोर पिलर्स कौन से है? ये इक्विटी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट ठीक है इक्विटी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर पिलर्स कौन से मतलब ये सारी चीजें होंगी तो आप कहोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी है चैप्टर नंबर फाइव से वट इज हर्डिंग हर्डिंग क्या है तो नोमाटिक हर्डिंग जो आपके मूवमेंट Uh, करते हैं कई जो हार्डर्स होते हैं आपके एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उसी तो उसी को आपको नोमाड़ी हार्डनिंग कहते हो घूम घूम के जो है वह आप क्या कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री एनिमल रियरिंग डिफाइन प्रमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सो प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन ठीक है स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर जिसको कहा जाता है वही है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर फाइव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसको कहते हैं तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में देखिए आप आइए आप यहां पर देखिए तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है बड़े स्केल पर जो है वो खेती जब की जाती है वी गॉट दिस फ्राम यूरोप यूरोप में सबसे पहले ये जो है प्लान्टशन एग्रीकल्चर स्टार्ट हुए थे ये देखिए आप यहाँ पे सो इट वॉज इंट्रोड्यूसड बाई द यूरोपियंस इन कॉलोनी सिचुएट इन द ट्रॉपिक रीजन ठीक है एंड फ्यूचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज स्टेट्स और प्लानेशन लार्ज स्टेट्स बड़े स्किल्स पर जो है फील्ड्स पर प्लानेशन किया जाता है uh, बड़े पैमाने पर उसी को आप क्या कहते हो प्लानेशन एग्रीकल्चर कहते हो जैसे टी प्लांटेशन होता है हमारे यहाँ पे आसाम के रीजन में जैसे आपने बड़े बड़े ये देखा होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे टी प्लांटेशन हो रहा है तो इसी स्केल पे क्या होता है आ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके जो है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग कॉपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग डिफरेंस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्योर sure, श्योर sure, आपको मिले ये फाइनल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है बोर्ड के पास ये क्वेश्चन तो आता ही आता है बोर्ड का पेपर बनाने बैठता है उसको तो ये लगता है ये क्वेश्चन तो देना ही देना है ना तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो क्या है देखिए कॉपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग अगर हम डिफरेंस देखें तो कॉपरेटिव फार्मिंग में कॉपरेटिव सोसाइटीज बनाकर जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं दे मेक कॉपरेटिव सोसाइटी बाय पुलिंग देयर रिसोर्सेज है ना वॉलेंटरली फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग वो क्या करते हैं अपने पैसे हो या अदर रिसोर्सेज जो है पूल करते हैं उनको और फिर एक कॉपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बनाई वो कॉपरेटिव सोसाइटी कैसे रिफार्मर्स की मदद करती है इस तरह की कॉपरेटिव फार्मिंग आपको डेनमार्क नीदरलैंड बेल्जियम स्वीडन इटली यहाँ पे देखने को मिलेगी बहुत बड़े पैमाने पर कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है जब कलेक्टिवली कलेक्टिवली खेतीबाड़ी की जाती है जैसे कोलकोज सिस्टम प्रवलेंट था सोवियत यूनियन के अंदर उसमें गवर्नमेंट क्या करती है डिसाइड करती है गवर्नमेंट ये कहती है और गवर्नमेंट क्या करती है एम देती है लोगों को यह बताती है कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है और किस तरीके से तो जब कम्युनिटी एक साथ मिलकर खेतीबाड़ी करती है फार्मर्स जो है वो अपने रिसोर्स को अपनी फील्ड्स को एक साथ पूल करके जो है खेतीबाड़ी करते हैं तो उसी को आप क्या कहते हो कलेक्टिव फार्मिंग कहते हो इसका अलग से क्वेश्चन बन सकता है कोलकोज सिस्टम तो कोलखोज सिस्टम उस कलेक्टिव फार्मिंग प्रेवलेंट इन साउथ सोवियत यूनियन है ना यूएसएसआर में प्रेवलेंट था ये सिस्टम तो हमने आज इस वीडियो के अंदर देखे चैप्टर नंबर वन से लेके फाइव जोग्राफी के टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके पूछे जा सकते हैं इस बार फाइनल के एग्जाम में आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी आई होप विश यू ऑल द बेस्ट पार्ट सेकेंड आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच